हाय रनम दीपानु आनंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। ते मैं डॉक्टर अमनदीप, मेरे वालों तहानू सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम जिस सॉन्ग पे रिएक्ट करने वाले हैं वो सॉन्ग काफ़ी कंट्रोवर्सीज में गिर चुका है ऑलरेडी। और हम सोशल मीडिया जब भी चलाते होते हैं तो इस सॉन्ग के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर चर्चा होती होती है। सो हमने सोचा क्यों ना आज इस सॉन्ग पे रिएक्ट करें। सॉन्ग का नाम होने वाला है मेरा की कसूर पर रंजीत बाबा, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और हम बहुत ही गिले वेट करते हैं एक्चुअली सॉन्ग सुनने के लिए। और अगर मतलब मैं गाइस न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर करें, उसका फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर मैं वीडियो अपलोड करूँगा सो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऑल राइट, लेट्स चेक आउट दिस सॉन्ग विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। बिल्कुल सुने सॉन्ग को। कैसी तेरी मत लोका, कैसी तेरी बुद्धिया, भुखियां ली मुकियां ते पत्थरां नू दुधिया, मुकियां ते पत्थरां नू दुध। ओ जे मैं सच बहुता बोलिया ते मच जाना युद्धिया, गरीबड़े दी शो माड़ी गऊ दा मूत शुद्धिया, गऊ दा मूत शुद्धिया। ओ चलो मन्निया भी तगड़ा है तेरा अपना गुरूर या, जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया, जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया। सोच नीवी आदी नीवी कहना फिर मन जूरिया, ओ जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया, ओ जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया। जड़ा लवो ओ पानी नदियां समुंदरां दा सरा च बना लवो, ना साडा पवे परछावां अन वेड़ियां चला लवो, ओ मर जाना पे असी पाबंदियां लगा लवो। हो जाओगे मैले हथी मारना जरूरिया, जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया, ओ जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया। शाहूकारों मन्या तुहानू कोई थोड़ नहीं, छत कपड़े दी सानू भला लोड़ नहीं, ओ घर छोटे दिल वड्डे गल सिद्धी मोड़ कोड़ नहीं, ओ ताडे कतल भी माफ साडे झूठ नू भी छोड़ नहीं, ओ उच्चिया नू करे उच्चा माणिया नू रोलदा, बल्ले तेरे शहर दा ए खूब दस्तूरिया, खूब दस्तूरिया। ओ जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया, ओ जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूरिया, ओ जे मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की।
की कसूर है, मेरा की कसूर है। बहुत ही बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया। सॉन्ग के लिरिक्स बहुत बढ़िया है, म्यूजिक अल्टीमेट है और बंदे ने गाया भी अल्टीमेट है, बहुत कमाल गाया है। ये सॉन्ग एक कंप्लीट पैकेज है जो सोचने के लिए भी मजबूर करता है। और खासकर सबसे बड़ी बात ये लगी कि इस सॉन्ग के अंदर जो सारी बातें कही गई हैं सबकी सब रियलिटी पे बेस ही हैं। बिल्कुल, कोई भी बात ऐसी नहीं जो कि ऐसे ही कह दी है, सबकी सब बातें रियलिटी के ऊपर ही बेस है जो खासकर इंडिया में होती हैं। और सॉन्ग के अंदर जो क्लिप्स चल रही हैं, वीडियो जो चल रही है, वो एक एक लफ्ज जो है उनका, जो लिरिक्स का एक एक वर्ड है वो उसके साथ रिलेट कर रही है और वो आपके मन के ऊपर दस्तक देती हैं, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं ये क्या हो रहा है ये। और वो देख के दर्द भी होता है एक्चुअली। बिल्कुल, बहुत पेन सा होता है दिल में ये सब कुछ देख। ये हमारे देश में है, ये सब कुछ हमारे देश में है। ये तभी देख के बुरा लगता है कि रियलिटी में ऐसी बातें हो रही हैं। इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना, जिसके पास जो थोड़ा आदमी संवेदनशील है, जो दिमाग रखता है, जो सोच रखता है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि इस नाटक में जो लिरिक्स लिखे गए हैं ना, वो किसी एक धर्म विशेष के तौर पे नहीं है। ये तो हमारे समाज में जो सदियों से बुराइयां आ चुकी हैं, कुरीतियां आ चुकी हैं, ये तो उसके ऊपर एक किस्म का तंज है, व्यंग है उनके ऊपर। ये तो हमें वो चीजें उजागर करके बता रहा है कि धर्मों के अंदर आज क्या क्या कुरीतियां आ गई हैं, और किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं है, सब धर्मों के ऊपर ये व्यंग है। किसी एक धर्म के ऊपर उसने कुछ नहीं कहा इस गीत के ऊपर, उसने सभी धर्मों के बारे में कहा है कि आज कौन सा धर्म ऐसा जिसमें कुरीतियां नहीं है, तो हमें उन कुरीतियों को दूर करना चाहिए। ये तो हमें आगाह कर रहा है उस बात को लेके। और इन्हीं बातों को लेके हम ये भी जानते हैं, जब ये मध्यकाल का दौर था ना, मध्यकाल के दौर में जो हमारे भगत कवि हुए हैं, गुरु नानक देव जी हैं, कबीर जी हैं और रविदास जी हैं, हाँ, और जितने भी लोग और हुए, भुले शाह जी हैं, ये सारी कुरीतियाँ वो भी उजागर कर चुके हैं अपने अपने टाइम पे। ये शुरू से ही हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कुरीतियों को उजागर करते हैं ताकि समाज जो है सही दिशा में जाए। समाज तभी सही दिशा में जाएगा अगर हम कुरीतियों को, जो आई कुरीतियां हैं उनको दूर करेंगे, तभी सही दिशा में समाज जाएगा। तो इस गीत के अंदर कोई भी कंट्रोवर्शियल बोल जो है हमें दिखाई नहीं दिया। और एक बात कहूँगा मैं कि हमारे पंजाब में केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा है, उनकी ओर से भी एक बयान आया है कि ये जो गीत गाया गया है ये किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं है, इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की गई, बल्कि ये तो एक जो समाज के अंदर कुरीतियाँ आ गई हैं उनके ऊपर एक व्यंग है, ये बात जो कि रियलिटी है, रियलिटी है, रियलिटी में हो रहा है। बिल्कुल रियलिटी है, ये हो रहा है। ये एक बात होती है, एक रियलिटी होता है और एक बिलीव्स होते हैं गाइस, वो समझना बहुत, इन दोनों के अंदर बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस है। हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट है हर एक रिलीजन की, हर एक के अपने बिलीव्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब रियलिटी की बात आती है वो बिलीव से बहुत हटके होता है, बहुत ही अलग होता है। जो कह रहे हैं कि हमारी भावने आहत हो गई हैं, भावने भड़की हैं हमारी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी की भावना नहीं भड़की है, कोई इसमें कोई भावना किसी की आहत नहीं होती, बल्कि ये तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों को एक सच के सामने लाके खड़ा कर रहा है जो ये गीत है। बल्कि जेड़े लोग के कह रहे ने कि साड़ियाँ भावनावां आहत हुई ने, भावनावां भड़कियां ने, इस गीत दे नाल वीरो कोई किसी की भावना आहत नहीं हुई, बल्कि ये गीत सानू सच दिखा रहा है, साढ़े समाज का जोड़ा सच है वह सामने लैके आ रहा साढ़े, ये सच की बात पाँगा गीत है, किसी की कोई भावना आहत नहीं करता। और ये गीत जोड़ा है किसी धर्म विशेष के बारे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, बल्कि ये तो सारे ही धर्मों समान तरीके कहा गया कि जेड़े जड़िया भी कुरीतियाँ आई हैं उन्होंने दूर करने की लड़ है। एक कलमा होर कहनी चाहवागा कि परचा जोड़ा है जिंद गल की जा रही है कि परचा दर्ज कराता गया गायक के खिलाफ, तो परचा हाले दर्ज होया या नहीं होया, एक के खिलाफ कल गायक के खिलाफ नहीं है, इस गीत के जिन्हें लिरिक्स लिखे ने बीर सिंह उसके खिलाफ भी है, तो तीसरा जिहड़ा इस सोंग का डायरैक्टर है
उस दे खिलाफ भी तिना दे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत दर्ज करती गई है। पर मैं एक गल होर देखता है कि गीत गाने वाले ने गीत गाया बहुत वधिया गाया, वधिया गायक है बाबा, वधिया गीत गा रहा, पहला तो ही वधिया गीत गाता सी। विच जे ने कुछ इहोजे गीत भी गाए जिहड़े कोई जिहदे उत्ते चर्चा भी हुई भी इहनू इहोजे गीत नहीं गाने चाहिए जिस तरह उस सलवार का नाप लैंदियां पहुंचे दे नाप लैंदियां गल्लां कीतियां। उस वेले बावे ने अपने जिहड़े गीत सी ना वो हटाए ने यूट्यूब तो, पर इस गीत नू यूट्यूब दे उत्तों ये कह के हटाता कि मैं विवाद नू जन्म नहीं देना चाहता। सच दे सामने हिक तान के खड़े रहना ये कोई विरला ही हुंदा। जिस सच लई तुसीं गीत गाया लोकां नू हुशियार कीता उहदे उत्ते पहरा देना भी उन्ना ही जरूरी है जिन्ना गाउणा जरूरी है ते जिन्ना लिखणा जरूरी है। हालांकि गायक ने कहा कि मैं अपने गीत तो पिछे नहीं जाता, मैं स्टैंड करता। गायक नू भी स्टैंड लेना चाहिए, पर हो सकता गायक की अपनी मजबूरी है, उसकी रोजी रोटी जिहड़ी है वो गायकी तो चलती है, वो इनू ना देना चाहता होवे, इनू विस्तार ना देना चाहता होवे ताकि मसला जिहड़ा किसी तरीके नाल शांत किया जा सके, एक पक्ष हो सकता है भी। पर सच के सामने खलोण वाले योधे जिहड़े हुंदे आ ना उन्हां नू कौमां याद रखदियां, उन्हां नू समाज याद रखता है। सच के सामने गुरु नानक देव जी खड़े हुए सी अपने टाइम ते, उन्होंने कहा सी राजे शी मुकदम कुत्ते हां, या पाप की जंज लै काबल ताया जोरी मंगे दानवे लालो। सच दे सामने खड़ा होया सी शहीद भगत सिंह, असैंबली च बंब सुट के भजया नहीं खड़िया रहा मैं हाँ। साढ़े कोल ते किन्नियां उदाहरणां ने सच दे सामने खलोण वालियां, अपनियां जानां वार दित्तियां लेकिन सच तो पिछे नहीं हटे। छोटे साहबजादियां दी गल कर रहे हैं, नीयां च चिणे गए लेकिन सच तो पिछे नहीं होए। चाहिदा तो यह सी कि यह वीर गाउण वाला जिनी दलेरी नाल गीत नूं गाया उन्नी दलेरी नाल इहदे उत्ते स्टैंड लई रखदा। इस गीत दे विच कोई माड़ी गल नहीं सी, मैं इन्नी गल दावे नाल कह सकदा कि देश दे 90% लोग इस गीत दे सुनन दे बाद अपनी अकल दा इस्तेमाल कर सकदे है, जेडे दिमाग रखदे है, जेडे चेतन ने, जेडे सुचेत ने। तो फिर भी जे उन्हें गीत हटाता ये दा परसनल मैटर है उहदा, क्योंकि उहदे सामने रोजी रोटी का सवाल है, उन्हें लंबी गायकी चलाउणी है, हले बड़े मौके आणगे, एक मौका है, होर भी मौके आणगे। पर जदों हाँ ये गीत हटाया अपने चैनल से हटा दिया, लेकिन फिर भी ये गीत, लेकिन ये गीत चल रहा है, ये गीत लोगों के दिमाग में चला गया, दिल में बस गया है। और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हटाया गया, ये चल रहा है गीत, तो वो बहुत अच्छी बात लगती है कि हाँ चल रहा है, चल रहा है। गीत के जो लिरिक्स लिखने वाला वीर सिंह है जी, वो बधाई का पात्र है, जिथे गाउण वाला बधाई का पात्र है उथे लिखण वाला बधाई का वध पात्र है कि उन्हें अपनी कलम तो यह जहा खूबसूरत गीत लिखा है। ये गीत बहुत खूबसूरत है, और वीडियोग्राफी दे विच जिस तरीके नाल मसले उठाए गए ने बड़े कमाल दे ने, बड़े कमाल दे ने। ये साडा इतिहास है, साडा सच है, इस तो कोई मुकर नहीं सकता, मुकर नहीं सकता कि आपां पहरावे ते पाले ने, पर जिहड़ियां गल्लां कहियां गईयां ने धर्मां दे अंदर, भाईचारक सांझ दा जिहड़ा संदेश दित्ता गया, जिहड़ा मिलवर्तन दा संदेश दित्ता गया है, जिहड़ा ऊच नीच खत्म करन दा संदेश दित्ता गया है, आपां उहनां तों किते भटक गए हैं। तो यह गीत इसे चीज़ की ही तर्जमानी करता है, इहदे च कोई किसी धर्म के खिलाफ कोई दुरभावना का कोई शब्द इहो जिहा नहीं वरत्या गया, यह गल बड़ी स्पष्ट है। तो साथियों इस गीत नूं जिन्ना प्यार दे सकदे हो उहनां दिओ, गीत बहुत वधिया, बहुत वधिया गीत, उमदा उमदा जी। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।